दिल्ली में एक लड़की ने भारी भरकम चालान से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस वालों को आत्महत्या की धमकी दे दी। पुलिस वालों ने कश्मीरी गेट ISBT के पास स्कूटर की टूटी नंबर प्लेट और हेलमेट का लॉक नहीं लगे होने के आरोप में एक लड़की को चालान काटने के लिए रोका, लेकिन भारी भरकम जुर्माने के डर से लड़की ने चालान काटने पर आत्महत्या की धमकी दे दी। यही फांसी लगा लो तो क्या कर लोगे आप? इससे पहले लड़की काफी देर तक पुलिस वालों से चालान नहीं काटने की गुहार लगाती रही। हालांकि पुलिस वाले भी लड़की को उसकी गलती समझाने की जद्दोजहद में जुटे रहे। आपका हेलमेट भी अलाउ नहीं है, ये डिफेक्टिव हेलमेट है। जब लड़की के रोने और गिड़गिड़ाने से भी बात बनती नहीं दिखी तो उसने पुलिस वाले को हेलमेट से मारने की धमकी दे दी। मैं फेंक के मार दूंगी, मेरे को मार दो, मारो, मारो, मारो। इसके बाद उसने अपना हेलमेट पुलिस वाले की ओर फेंक दिया और वो पुलिस वालों पर एक लड़की को परेशान करने का आरोप लगाने से भी नहीं चुकी। हाँ, कोई बात नहीं। सड़क के बीचों बीच काफी देर तक लड़की और पुलिस वालों के बीच ये ड्रामा चलता रहा। हालांकि लड़की ने चालान से बचने के लिए अपने स्कूटर की नंबर प्लेट तोड़े जाने की शिकायत करने का भी दावा किया, लेकिन वो मौके पर अपने स्कूटर का कोई भी कागज नहीं दिखा पाई। और जब पुलिस वालों ने उसे स्कूटर किनारे लगाने को कहा तो वो उनसे बहस करने लगी। यही नहीं, कई बार तो लड़की ने पुलिस वालों को चकमा देकर अपना स्कूटर मौके से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन एक पुलिस वाले ने स्कूटर के आगे खड़े होकर उसे रोके रखा। आप कागज निकाल के दिखाइए। मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं है तो गाड़ी तो बंद होगी। गाड़ी मैं अपनी मम्मी को बुला रही हूँ। हालांकि पुलिस वालों से काफी देर तक बहस करने के बाद लड़की ने आखिरकार अपनी गलती मान ही ली। मोबाइल यूज कर रहे थे, गलती आप कर रहे हो, फिर भी आप मैंने गलती की, मैं बात कर रही हूं। फिर वो मत बिल्कुल, पहले मैं पूछो, मैंने छोड़ दिया। मौके पर मौजूद दूसरे पुलिस वालों ने भी फजीहत से बचने के लिए लड़की को बगैर चालान काटे छोड़ देना ही ठीक समझा। उसको भगा देना मत खाना, क्योंकि कोई अफसर कहेगा कि एक लेडीज को छोड़ ही देता था, क्या होता। इसके बाद लड़की को भविष्य में नियमों की अनदेखी न करने की हिदायत देते हुए बगैर चालान काटे छोड़ दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के बेली रोड के एक होटल की लिफ्ट खराब हो जाने की वजह से 10 लोग एक घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट में फंसे रहने की वजह से कई महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। इससे पहले लोगों ने लिफ्ट में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। इस बीच लोगों ने वहां हंगामा भी किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लिफ्ट की शीशा तोड़वाया और उसके अंदर फंसे लोगों और महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन इस बीच वहां अफरा तफरी मची रही। राजधानी के बेली रोड स्थित होटल क्लार्क की लापरवाही की वजह से अभी 10 लोगों की जान चली जाती। देख सकते हैं, यही होटल क्लार्क है जिसमें एक फैमिली फंक्शन था और उसमें लोग आए हुए थे, लेकिन इसी दौरान जो होटल का लिफ्ट है वो लिफ्ट अचानक खराब हो जाता है और तकरीबन 10 लोग जो लिफ्ट में सवार रहते हैं वो इसी में फंस जाते हैं। एक घंटे तक जद्दोजहद किया जाता है, किसी ने सुधि नहीं ली। काफ़ी देर प्रयास के बाद परिवार वालों ने खुद से रड से देख सकते हैं कि शीशा को तोड़ा है और यही लिफ्ट है जिसमें तकरीबन एक घंटे तक लोग फंसे रहे और बाद में एक घंटे बाद शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया है। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है वो देख सकते हैं, पुलिस के आने के बाद भी लोगों का आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार हंगामा जारी है। आपको हम दिखा रहे हैं, ये होटल क्लार्क है और यहीं पर जो है लगातार हंगामा जारी है। तकरीबन 10 लोग होटल में फंसे हुए थे लिफ्ट में और हंगामा के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देख सकते हैं, जो होटल कर्मचारी हैं, जो परिजन है, वो हंगामा इसलिए कर रहे हैं कि होटल के जो मालिक हैं उन्होंने कोई सुध नहीं ली और लापरवाही ये है कि लिफ्ट मैन नहीं था, कोई कर्मचारी ने सुध नहीं ली और फैमिली फंक्शन था। देख सकते हैं, जो महिला है वो यहाँ बेहोश हो गई थी और तकरीबन 5 महिला जो है बेहोश हुई थी। उसके बाद परिजनों ने किसी तरह इन्हें बाहर निकाला है शीशा तोड़कर। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए, यही वो महिला थी जो 6ठे फ्लोर पर अपने फंक्शन में जा रही थी, लेकिन बीच में ही लिफ्ट खराब हो गया, उसके बाद बेहोशी के बाद बाहर निकाला गया। हम बात करते हैं कि क्या सब परेशानी हो रही थी लिफ्ट। परेशानी से लग रहा था कि अब प्राण छूट जाएगा, अब बाल बच्चा हम भी छट गया सब, अब नहीं बाल बच्चा सब भेंट हो गया, हिम्मत हट गया था एकदम। कोई बचाने नहीं आ रहे थे? कह रहे थे कि शीशा तोड़ के निकालो, निकालो जल्दी, बेटा के फोन कर तुड़वाओ बेटा, अंदर तब ना बचेंगे बेटा, जल्दी तुड़वाओ, हमारा धड़कन के दम आ रहा है, धड़कन अभी भी दे रहा है, कर्जा में फोन नहीं है। कोई बचाने नहीं आ रहे थे? कोई नहीं था। हम हार्ट पेशेंट हैं, हमारा और ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा था, वहाँ मेरा मशीन लगा हुआ था, हार्ट में मेरा मशीन लगा हुआ था, हम बहुत चिल्ला रहे थे कि मेरा जान बचाओ सब, कोई जान बचाने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं था। शीशा तोड़ा गया, आम आदमी शीशा तोड़ा तब निकले। ये बच्चे भी सवार थे उसमें?
बिल्कुल, ये सभी एक ही परिवार के हैं और परिवार में छठी का फंक्शन था, यही होटल बुक कराया गया था, होटल क्लार्क। और इसमें देख सकते हैं किस तरह से लापरवाही की भेंट चढ़ गए थे लोग। तकरीबन एक घंटे तक ये लिफ्ट फंसा रहा और लोग मौत से लड़कर बाहर निकले हैं। यही वो लिफ्ट है और दूसरे साइड आपने देखा किस तरह शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया है। जरा हम कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। लापरवाही है कि जहाँ पर लिफ्ट है तो होटल प्रबंधन को चाहिए ना कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था, अगर जो सडनली फंस जाए तो हम 10-5 मिनट में कर लें। कोई बचाने नहीं आया, जो आया तो बस खोल रहा है, चाबी लाने गया है, चाबी नहीं मिल रहा है, यही आवाज सुन। फंक्शन हुआ आप लोगों का? क्या फंक्शन कहाँ हुआ? फंक्शन कुछ नहीं फंक्शन। घर के जो मेहमान हैं जिन्हें इनवाइट किया गया था, सभी मेहमान देख सकते हैं गमजदा हो गए थे, क्योंकि एक घंटे तक अफरा तफरी का माहौल था और फंक्शन कैंसिल करना पड़ा। बच्चे की छठी थी और प्रशासन के आने के बाद भी हंगामा जारी रहा। लोग यही कह रहे थे कि होटल जो संचालक हैं उन्होंने लापरवाही की है, यही वजह है। फिलहाल एक कर्मी को हिरासत में तो लिया गया है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन आशीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप रहेंगे तो क्या करेंगे? हमारा टेक्नीशियन आपको खोल रहा है, आप लिफ्ट का है, आप लिफ्ट तोड़ दिए। हमारा लिफ्ट टूटा हुआ, आप चेक कीजिए। हमको देख करके ये लगा नहीं है, कहने का मतलब है मालिक का दोष है थोड़ा ये, कि जिनकी होटल थी जब वो फंसे हुए थे तो इनको समय पर आना चाहिए था, आ करके ये किए, लेकिन उन्होंने लेट से आया इसीलिए इनको खूब वादन सहना पड़ रहा है। एक बात मैं कह रहा हूँ, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदू टीचर की पिटाई कर दी। बताया गया कि स्कूल के एक छात्र ने इस टीचर पर धर्म को लेकर टिप्पणी करने का झूठा आरोप लगाया, जिसकी भनक लगते ही बड़ी संख्या में कट्टरपंथियों की भीड़ कोटकी इलाके के उस स्कूल में पहुंच गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद भीड़ ने इलाके के एक मंदिर को भी निशाने पर ले लिया और वहां भी जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, भीड़ ने हिंदू टीचर के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं कुछ लोग भीड़ की पिटाई से दहशत में आए हिंदू टीचर को ढांढस बंधाने पहुंचे। इस घटना के बाद घोटकी इलाके में सन्नाटा पसर गया और इलाके में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग दहशत में आ गए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मानवाधिकार के लिए काम करने वाले एक संगठन ने भी ट्वीट कर इस घटना को खतरनाक बताया और दुनिया के सभी देशों से पाकिस्तान पर अल्पसंख्यकों के धर्म की सुरक्षा के लिए दबाव बनाने की अपील की। वहीं इस हमले में मियां मिट्ठू के नाम से मशहूर पाकिस्तान के एक धार्मिक नेता पीर अब्दुल हक का हाथ सामने आया है। बताया गया कि मियां मिट्ठू के इशारे पर ही उसके समर्थकों ने सिंध प्रांत के कोटकी इलाके में हिंदू टीचर की पिटाई की। मियां मिट्ठू पर सिंध में बड़े पैमाने पर हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में शामिल होने का आरोप लगता रहा है। पिछले दिनों सिंध प्रांत में एक सिख लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला भी सुर्खियों में रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले दक्षिणी सिंध में ही 2018 में 1000 से ज्यादा लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए थे। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार सिंध में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म रोकने में नाकाम साबित हुई है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्टल के छात्रों को परोसे गए वेज खाने में चिकन के टुकड़े मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि छात्रों को हॉस्टल की तरफ से आए दिन काफी खराब खाना दिया जाता है, लेकिन वेज खाने में चिकन के टुकड़े मिलने पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में जमा होकर छात्र हॉस्टल की गेट पर हंगामा करने लगे। छात्रों ने उन्हें परोसे गए छोले भटूरों में चिकन के टुकड़े मिलने का दावा किया। शाकाहारी खाने में चिकन के टुकड़े पाए जा रहे हैं, जिससे हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। छोले भटूरे बने थे, छोले में चिकन के पीस पाए गए हैं। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर छात्रों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। छात्रों ने हॉस्टल प्रशासन से उनकी फीस वापस करने की मांग की। 3 महीने पुरानी कंपनी है, या तो वो हटाओ, अगर नहीं हटा सकते तो हम लोगों को पूरे जितना पैसा सब बच्चों ने दिया पूरा 100% में रिफंड करो। वहीं छात्रों के खाने में चिकन मिले होने की बात हॉस्टल के वार्डन ने भी कबूल की। चिकन पीसेस मिले हैं खाने में, नहीं मिले हैं? छोटे पीसेस मिले हैं। हालांकि काफी देर तक हंगामा होने के बाद पुलिस ने छात्रों को कार्रवाई का भरोसा देकर शांत करवाया। पाकिस्तान घाटी का माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश में जुटा है। खबर है कि श्रीनगर शहर और उसके आसपास करीब 24 आतंकी मौजूद हैं। ये आतंकी दुकानदारों को धमकी दे रहे हैं। आतंकवादियों ने दुकानदारों को गन पॉइंट पर यह धमकी दी है कि वो बाजारों को पूरी तरह बंद रखें। खासकर लाल चौक, जवाहर नगर, राजबाग के व्यापारियों को आतंकवादी धमका रहे हैं। वहीं आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित साउथ कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों ने एक कारोबारी की दुकान भी फूंक दी है। तो आतंकवादियों के दुकानदारों को दुकान बंद रखने की धमकी दी है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और अब वहां पर दुकानदारों को गन पॉइंट पर धमकी दी जा रही है।
आतंकवादियों ने एक कारोबारी की दुकान भी फूंक दी है और खासकर जो मेन चौराहे हैं, बाजार हैं, वहां पर दुकानदारों को धमकाया जा रहा है। नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद पिछले दो साल में नकली नोटों की तादाद 10 गुना बढ़ गई। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 रुपए से 2000 रुपए तक के नकली नोट बड़ी तादाद में बाजार में मौजूद। रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज्यादा 100 रुपए के नकली नोट चल रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल में 100 रुपए के 2,20,000 नकली नोट पकड़े गए थे। वहीं पिछले एक साल में 200 रुपए के नकली नोटों में 160 गुना इजाफा हुआ, जबकि इसी दौरान 500 रुपए के नकली नोटों में 121% की बढ़ोतरी हुई। आरबीआई के मुताबिक पिछले दो साल में 2000 रुपए के नकली नोटों में भी करीब 22% की बढ़ोतरी हुई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब बाजार में 10, 20 और 50 रुपए के नकली नोट भी आने लगे हैं। राजस्थान के कोटा में पानी में फंसे लोगों की मदद के लिए न्यूज 18 ने हाथ बढ़ाए और इस बीच जान की भी परवाह नहीं की। कोटा के नयापुरा में पानी में फंसे लोगों तक राहत सामग्री लेकर गई बोट में पानी भर गया, जिससे ये नाव डूब गई। इसी नाव में न्यूज 18 इंडिया की टीम थी और जिसके सदस्यों ने कूदकर एक छत पर जाकर खुद को बचाया। तो न्यूज 18 की टीम ने जान बचाने के लिए जान जोखिम में डाली, ये आप देख सकते हैं। मदद के लिए न्यूज 18 की टीम वहां पर पहुंची। राजस्थान के कोटा में पानी में फंसे लोगों की न्यूज 18 की टीम ने मदद की और जान जोखिम में डालकर यहां पर लोगों तक राहत पहुंचाई गई। काफी मुश्किल है, काफी तस्वीरों में देखिए काफी मुश्किल है लोगों का इतने लोगों तक खाना पहुंचाना। फिर भी आप देख सकते हैं कि जो बॉट है यहाँ पर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की बॉट है, कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से खाना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आगोश लोगों तक पहुंचे। और ये जिस बॉट के अंदर हम ये तकरीबन डूबने की स्थिति के अंदर है, काफी मुश्किल स्थिति है। और हम अब इस वक्त बहुत मुश्किल हो सकता, पानी भर चुका हमारी बॉट के अंदर और यहाँ पर काफी मुश्किल है कि हम किस तरीके से हम मदद लें किसी से और कोशिश करें कि यहाँ से किसी तरीके से हम निकल पाए। तो ये जाहिर तौर पर अरे अरे मनीष अरे वो कहाँ है अरे पानी वो डब्बा दो ना डब्बा दो डब्बा अरे डब्बा कहाँ है लाओ मुझे दो ना यार ऊपर आएंगे ऊपर मोबाइल उठा मोबाइल ले दोनों तस्वीरों में देखिए कि जिस बोट के अंदर हम बैठे थे वो बोट डूब चुकी है। काफी मुश्किल है, हमने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया यहाँ पर और जिस बोट में ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना मुश्किल है, बेहद रिस्की है। एक हम मुश्किल से किस तरीके से घर की छत पर पहुंचे और यहाँ तक, क्योंकि छोटी बोट पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। और इस वक्त हम जिस बोट के अंदर आ रहे थे, क्योंकि गली काफी छोटी है और बार बार बोट पलट रही थी, वो बोट आखिरकार किसी तरीके से हमने कूद कर यहाँ पर इस वक्त एक घर पर हम कोशिश की कि घर की छत पर पहुँच गए हैं और बोट वो डूब चुकी है। अगर हम थोड़ा सा एक मिनट भी अगर देरी करते तो नीचे तकरीबन 15 से 20 फीट नीचे पानी के अंदर होते, हमने कैसे करके अपने आप को बचाया इस वक्त। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो बोट है जा चुकी है, निकालने की कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि जो चप्पू है बिल्कुल लेकर, वो दूसरी जो बोट है जिसमें खाना लेकर आए हैं वो बोट है। हम कोशिश करेंगे बोट का इंतजार करें। क्या हुआ बोट का, क्या हुआ? नाव डूबी भैया। कैसे डूबी थी, क्या हुआ? बहुत तेज है बहाव, पानी का तेज है, इस वजह से बहुत मुश्किल हो रहा था। इस जगह पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है पानी। पहले हम जब घूम रहे थे जब पानी कम था, पानी तेज हो चुका है। बहाव तेज होने की वजह से, पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से अब जो गोताखोर है वो अंदर कूदे हैं और कोशिश की जा रही है जिस बोट को निकालने की, जिस बोट के अंदर हम थे इस वक्त वो नीचे जा चुकी है और बोट की इस वक्त तलाश की जा रही है। न्यूज 18 की टीम राहत सामग्री लेकर पहुंची। टीम ने फूड पैकेट बांटने का सिलसिला जारी रखा। 5 से 7 फीट की संकरी गलियों में एक मंजिल तक डूबे मकानों तक फूड पैकेट पहुंचाए गए। स्पॉट के अंदर हम आए थे, वो बॉट जिस वक्त हम बैठे थे लोगों की तस्वीरें दिखा रहे थे उसी वक्त पानी का बहाव तेज था, नाव पलट चुकी है। अब नाव को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, गोताखोर अंदर है। अब नाव कहाँ है ये अभी मिल नहीं पा रही है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हम पानी के अंदर थे। कोशिश की जा रही है अभी यहाँ पर कि बोट किस जगह पे गई है, क्योंकि काफ़ी तकरीबन पानी का बहाव तेज है, यहाँ गोताखोर है, तलाश कर रहे हैं। और अभी इस वक्त हमारे पास में भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, जब तक कि बोट नहीं मिल जाती और जिस वो बोट मिलने पे ही हम जा पाएंगे। कोशिश की जा रही है, रस्से लेकर आए हैं, अब रस्से के माध्यम से निकालने की कोशिश की जा रही है।
कि किस तरीके से निकाला जाए। और अब ये देखिए कि तस्वीरों में कि वो लेकर आए, ये लेकर आए ये ऊपर बैठने के लिए। आप ये तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से किन हालात के अंदर, किन मुसीबतों के अंदर अभी ये स्थिति हो रही है कि जो मदद करने के लिए रेस्क्यू बोट आई है वही डूब चुकी है। लोग कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से फॉर्म को लेकर आए जिससे कि उस पर तैर कर किसी तरीके से नाव को ढूंढा जा सके। बहुत काफ़ी मुश्किल स्थिति की है और रस्से इस वक्त मंगाए गए हैं और इससे कोशिश की जा रही है क्योंकि इसका सहारा लिया बिना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर इनका कहना है कि कोशिश की थी पहले से एक बोट, रेस्क्यू बोट यहाँ पर आने की, लेकिन यहाँ डूब गई। तकरीबन इस कॉलोनी में 2 से 3 रेस्क्यू बोट पहले डूब चुकी है जिन्होंने कोशिश की। हमारे कहने पे यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने कोशिश की कि इन तक मदद पहुँचाई जाए, लेकिन बेहद मुश्किल, बेहद रिस्की, बेहद ये आसान काम नहीं है। और तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, लेकिन लोगों का सब कुछ अरमान, टीवी समेत सब कुछ सामान बह गया, तो काफ़ी मुश्किल हो रही है लोगों के सामने। और इस वक्त ये जब इस वक्त हमारे सामने ये है कि ये बॉट हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आसान नहीं है कि ये बॉट फिर यहाँ पर फंस चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से कैसे इसको निकाला जाए यहाँ से, कैसे ये तार खींचे, तार खींचने से जाएगी कैसे निकलेगी, कोशिश कर रहे हैं, तारों के जाल में फंस चुकी है। हाँ, कैमरा पकड़ कर रखें, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर पहले भी नाव पलट गई क्या, काफ़ी बेहद रिस्की है यहाँ पर। और यहाँ से अब निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है यहाँ से, कैसे निकलेंगे। ये रस्सी किससे बंधी, ये आ गई जिस रस्सी से हम कोशिश कर रहे थे कि शायद हो सकता है उससे निकाल लें, लेकिन वो भी मुश्किल है। ये चप्पू है दीजिए, कोशिश कर रहे हैं हम किसी तरीके से यहाँ पर मोड़ने की, किसी तरीके से मुड़ जाए। बेहद मुश्किल, पट्टे से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से निकाल लें, मोड़ने की कोशिश की जा रही है। बेहद काफ़ी रिस्की यहाँ जिस जगह से हमने बॉट निकाली है, बेहद मुश्किल है। कोशिश करके सब लोगों ने कोशिश की और आखिरकार हम कामयाब हुए, क्योंकि इससे पहले एक बार हमारी बॉट पलट चुकी है और मुश्किल से जान बचाई है पूरी रेस्क्यू टीम ने। हमने मध्य प्रदेश के भिंड में कुछ लोगों ने चंबल नदी में बहे एक रेलवे के कंटेनर पर सवार कई मजदूरों को डूबने से बचा लिया। बताया गया कि कोटा बैराज डैम से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अचानक बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से वहां रेलवे लाइन के काम में लगा कंटेनर पानी के तेज बहाव में बहने लगा। कंटेनर को रोकने के लिए वहां मौजूद कुछ लोग एक बड़ी नाव पर सवार होकर कंटेनर के करीब पहुंचे और एक मोटी रस्सी के जरिए कंटेनर पर सवार लोगों को डूबने से बचाने की कोशिश करने लगे। जबकि हवा का रुख देखते ही नदी में चप्पू चला रहे लोगों ने तेजी से नाव को कंटेनर के करीब पहुंचाया, जिसके बाद कंटेनर पर मौजूद मजदूर पानी में उतरकर रस्सी के जरिए नाव में उतरने की कोशिश करने लगे। इस दौरान नदी में उतरे कई मजदूरों के सिर्फ पानी से बाहर दिखाई दे रहे थे, जो रस्सी की मदद से सुरक्षित नाव पर पहुंच गए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हो गए। नीमच, रायसेन और मंदसौर समेत कई जिले में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे हालात बदतर हो गए और इसका सबसे ज्यादा असर नीमच में देखने को मिला, जहां भारी बारिश के बाद सड़कें नदी में तब्दील हो गई। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। ऐसा लगने लगा मानो लोग शहर के बीच से नहीं बल्कि किसी नदी को पार कर रहे हैं। बाढ़ के पानी में लोगों के घर डूब गए, पानी इतना भर गया कि दुकानों के सिर्फ बोर्ड ही नजर आ रहे थे। सड़क पर खड़े ट्रकों ने तो जल समाधि ले ली, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा था, जिसके जल्द निकलने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे थे। इसको कितना टाइम लगेगा पानी निकालने? ये बहुत टाइम लगा, तो खुद अंदाजा लगा ले बाबा, अगर ये नीचे वाला पाइप भी तोड़ेगा तो भी 15 दिन। नीमच में हालात ऐसे बन गए कि लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए। इसके लिए भी लोगों को नाव की मदद लेनी पड़ी। वहीं रायसेन में भी बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल दिखे। यहां भी लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि पानी का स्तर इतना था कि अगर लोग उसमें उतरते तो पूरी तरह डूब जाते। गांव के गांव डूबने के बाद लोगों का जीना मुश्किल हो गया। पूरे घरों में खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची,
पानी भरा चुका है सब में। लोगों की परेशानी बढ़ने के बावजूद उन्हें अब तक प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली और यही वजह थी कि बारिश और बाढ़ से घिरे लोग काफी गुस्से में दिखे। हालांकि ये परेशानी सिर्फ रायसेन में ही देखने को नहीं मिली और मंदसौर में बारिश आफत बनकर बरसी। भारी बारिश के बाद एक डैम ओवरफ्लो हो गया और वहां से लाखों लीटर पानी तेजी से नीचे बहने लगा। इसकी वजह से नदियां उफान पर आ गईं और कई इलाके डूब गए। एकदम पानी घुसा, जितना सामान ले जा सकते थे ले गए, बाकी सब खराब हो गया। इसके अलावा कई दूसरे इलाकों में भी हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, वहीं एक हैंडपंप से पानी अपने आप ही निकलने लगा। मंदसौर समेत कई जिलों में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चिंता जताई, साथ ही सीएम कमलनाथ से लोगों को मदद पहुंचाने की अपील की। ये समय है मुख्यमंत्री जी जब सरकार को निकलना चाहिए, पीड़ित क्षेत्रों में जाना चाहिए। गुजरात के आणंद में नदी में डूब रहे एक बुजुर्ग आदमी को ड्रोन की मदद से बचा लिया गया। बताया गया कि कुछ लोग ड्रोन से नदी की शूटिंग कर रहे थे, उसी बीच ड्रोन के कैमरे में एक बुजुर्ग आदमी डूबता नजर आया, जिसके बाद ड्रोन को नदी के ऊपर डूबते आदमी के करीब ले जाया गया। ड्रोन के कैमरे में बुजुर्ग आदमी जिंदगी के लिए पानी से जंग लड़ता दिखा, सिर्फ उसका सिर ही पानी से बाहर नजर आ रहा था। अपने ऊपर ड्रोन को देख डूबते आदमी ने उसकी ओर हाथ से खुद की जान बचाने का इशारा किया। इस बीच नदी का तेज बहाव डूब रहे बुजुर्ग आदमी को अपने साथ बहता चला जा रहा था। काफी मशक्कत के बाद डूब रहे आदमी को बचा लिया गया। अपनी जान बचने के बाद उसने वहाँ मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा किया। मुंबई के पास कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में काफी देर तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से मुंबई के पास नाला सोपारा में कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी भर गया। घर के किचन, बेडरूम और बाहर पानी भरा होने की वजह से लोग काफी परेशान नजर आए और इसके लिए उन्होंने नगर निगम को दोषी ठहराया। जबकि लोग जरूरी कामों के लिए सड़कों पर भरे पानी में ही निकलकर जाते दिखे। मुंबई के पास वसई विरार में भी तेज बारिश की वजह से हालत बदतर दिखे। विरार के टाकी और टुलिन रोड समेत कई जगहों पर सड़क पर पानी भरा होने की वजह से भी लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अचानक आई बाढ़ के बाद एक स्कूल के छात्र पिछले कई घंटों से स्कूल में ही फंस गए। ये स्कूल उस इलाके में बसा है जहां राणा प्रताप सागर बांध से लाखों लीटर पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ आ गई, जिसके बाद स्कूल से निकलने के सभी रास्तों पर पानी भर गया। स्कूल के पास बने पुल के ऊपर से बांध का पानी तेजी से बहने लगा, जिसे पार करना जान जोखिम में डालने जैसा था। लिहाजा स्कूल प्रशासन ने पानी का स्तर कम होने तक छात्रों को स्कूल में ही रखने का फैसला किया। नया पुलिया बनी थी तो सबको लग रहा था कि स्कूल में इतना पानी नहीं आएगा कि आवागमन बंद हो जाएगा। इसके बाद सभी छात्रों के लिए स्कूल में ही खाने पीने की व्यवस्था की गई। कई घंटों से स्कूल में ही फंसे छात्र खेल कूद कर किसी तरह वक्त बिताते नजर आए। हालांकि कुछ छात्रों को अपने घर की भी याद आ रही थी। परसों से आप घर पे नहीं गए अभी तक, तो आपको मम्मी पापा की याद नहीं आ रही है? छात्रों के साथ स्कूल के टीचर और दूसरे कर्मचारी भी बाढ़ में फंसने के बाद काफी परेशान दिखे। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक अधिकारी ने बताया कि शुरू होने के बाद बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच हर रोज 70 फेरे लगाएगी, यानी एक दिन में 35 बार मुंबई से ट्रेन चलेगी और 35 बार अहमदाबाद से। बताया गया कि बुलेट ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक रोजाना 18 घंटे चलेगी। जानकारी के मुताबिक बुलेट ट्रेन का एक तरफ का किराया 3,000 रुपए हो सकता है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन रास्ते में 12 स्टेशनों पर रुकेगी। उम्मीद जताई गई कि दिसंबर 2023 तक बुलेट ट्रेन का काम पूरा हो जाएगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया गया कि दो पक्षों में मारपीट में एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने मारे गए आदमी का शव सड़क पर रखा और धरने पर बैठकर दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। गुस्साए लोगों ने सड़क पर कुछ पेड़ गिराकर सड़क बंद कर दी। प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए कई पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गुस्साए लोग शांत नहीं हुए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ते देख पुलिस वालों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज
चार्ज कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग भागने लगे। पुलिस के लाठी चार्ज के बाद लोग मौके से तो भाग गए, लेकिन इलाके में तनाव बढ़ गया। मध्य प्रदेश के नीमच में एक गाँव में सरपंच के पति की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि बाढ़ से हुए नुकसान के बाद सरपंच की तरफ से गाँव वालों को कोई मदद नहीं मिली, जिससे नाराज लोग उसके पति पर टूट पड़े। गांव के एक बुजुर्ग ने सबसे पहले सरपंच के पति को थप्पड़ मारा, उसके बाद तो उस पर मुक्कों और लात की बरसात होने लगी। कुछ लोग तो अपनी चप्पल से उसे पीटने लगे। इसके बाद एक लड़का उसे डंडे से पीटता हुआ नजर आया। हालांकि इसके बावजूद सरपंच का पति लोगों से बहस करता हुआ दिखाई दिया। इस बीच वहां कई और लोग जुट गए, उसके बाद उन लोगों ने भी सरपंच की पिटाई की। लोग उसे चारों तरफ से घेरकर काफी देर तक पीटते रहे। इसके बाद गुस्साए लोगों ने उसे पकड़कर पूरे गांव में घुमाया और एक एक कर घर में साथ ले जाकर बाढ़ से हुई बर्बादी को दिखाया। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक बदमाश रात के अंधेरे में एक बाइक को चुरा कर फरार हो गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि एक गली में वो बदमाश आया और वहां खड़ी बाइक को घूरने लगा। इसके बाद उसने चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख ना रहा हो। फिर अपनी शर्ट की जेब से उसने कोई चीज निकाली और फिर धीरे धीरे उस बाइक के पास पहुंचा और झुककर उसने उस चीज से बाइक में लगे लॉक को तोड़ दिया। इसके बाद बाइक के हैंडल लॉक को भी उसने महज कुछ सेकंड में ही खोल लिया। इस दौरान उसकी नजरें चारों तरफ थी। हैंडल लॉक को भी खोलने के बाद उसने बाइक को दूसरी तरफ मोड़ लिया और घसीटते हुए अपने साथ लेकर फरार हो गया। बाइक के मालिक को इसकी खबर सुबह पता चली। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद बाइक चुराने वाले की तलाश शुरू कर दी। लखनऊ में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में छात्रों के गुट भिड़े। लखनऊ में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों के दो गुटों के बीच हुए झगड़े के बाद पुलिस पर कई छात्रों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा। यूपी के गाजियाबाद में एक मंदिर में दो गुटों के बीच के विवाद को सुलझाने के समय जमकर हंगामा हुआ और गोलियां चली। प्रयागराज में एक मकान में रखे पटाखों में तेज धमाका हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। हरियाणा के रोहतक में देश भर के 20 से अधिक रेलवे स्टेशन और मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी भरा खत मिला। लखनऊ में 6 साल की बच्ची की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर अंबरगंज थाने का घेराव किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बाढ़ के बाद एक पुल पर पानी आने से एक स्कूल में बच्चे और टीचर समेत 400 लोग पिछले 40 घंटे से फंसे हुए हैं। यूपी के बाराबंकी में एक खेत में 10 फीट का अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। वन विभाग की टीम ने अजगर के आगे के हिस्से को रस्सी में फंसाकर उसे झाड़ियों से निकाला और फिर बोरे में बंद करने लगे, लेकिन अजगर इतना बड़ा और भारी था कि उसे काबू करने में टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ देर में वन विभाग की टीम ने अजगर को डंडे से जकड़ लिया और उसे बोरे में बंद करने लगे। अजगर को काबू में आता देख वहां जुटी भीड़ में शामिल एक आदमी भी वन कर्मियों की मदद करने लगा। इसके बाद अजगर को बोरे में बंद कर लिया गया। इमरान खान की सरकार में रेल मंत्री शेख रशीद ने जंग में मसालों के इस्तेमाल की बात कह डाली। पिछली बार 125 और 250 ग्राम के बम वाले बयान के लिए चर्चा में आए रशीद एक बार फिर मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि इस बार उन्होंने बमों का नहीं बल्कि जंग में मसालों के इस्तेमाल का दावा किया। मैंने सोच समझ के कहा कि हिंदुस्तान में 22-24 करोड़ मुसलमान हैं, हमें पता है कि कौन सा मसाला इस्तेमाल करना है, कहां मसाला इस्तेमाल करना है। भारत के मुस्लिमों के लिए फिक्रमंद शेख रशीद को एक रैली के दौरान करंट लग गया था। करंट लगने के बाद भी उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही याद आई थी। हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं, तुम्हारा रसकश। करंट लग गया, खैर कोई बात नहीं। लेकिन भारत के टीवी चैनलों पर उनका ये वीडियो दिखाए जाने पर भी रशीद भड़के हुए हैं। इंडियन टीवी तो लगा ही हुआ है, मुझे करंट क्या लगा, वो समझा शायद ये कि मैं मरा ही जा रहा हूँ। जब मैं मरा भी तो ये इंडियन टीवी कफन उठा के देखेंगे मर गया कि जिंदा है। लेकिन इमरान खान के जिस मंत्री की वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है, वो अपने आप को सबसे सीनियर नेता मानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक दावा करते हैं कि अगर जंग हुई तो वो खुद मैदान जंग में उतरेंगे। मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सियासतदान हूँ, सबका सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूँ। इंडिया ने सुबह शाम शोर मचाया हुआ है, एक रेल मंत्री एक सीट का लीडर, मैं वन मैन आर्मी हूँ। इंडिया सुन ले, मैं ऐसा इंडिया में ये जंग मैं खुद लड़ूंगा। शेख रशीद पाकिस्तान के वही मंत्री हैं जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की भविष्यवाणी कर चुके हैं।
यूपी के अमरोहा में लड़कियों के साथ छेड़खानी के आरोप में एक आदमी की जमकर पिटाई की गई। बताया गया कि यह आदमी कई महीनों से दो लड़कियों का पीछा कर रहा था, जिससे परेशान होकर दोनों लड़कियों ने उस आदमी को सबक सिखाने की ठानी और उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इस बीच एक लड़की ने आदमी पर कई बार चप्पल बरसाई। सड़क पर हो रहे हंगामे को देख वहां भीड़ जमा हो गई, जिसमें शामिल कुछ लोगों ने भी लड़कियों का खूब साथ दिया और आदमी की जमकर पिटाई की। इसके बाद दोनों लड़कियां आदमी को पुलिस के पास लेकर गईं। ये आदमी हमें करीब दो ढाई महीने से परेशान कर रहा था, हमने बहुत दिनों से हम इससे परेशान हो गए थे। लड़कियों की इस बहादुरी को देख पुलिस वालों ने भी उनकी तारीफ की। मैंने इसको बेहिसाब मारा। और लड़कियों की शिकायत पर आदमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। गुजरात के केवड़िया में बने सरदार सरोवर बांध में पानी का स्तर अपनी अधिकतम क्षमता के करीब पहुंच चुका है। इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाने के लिए गुजरात सरकार ने नर्मदे सर्वदे कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें शामिल होने पीएम नरेंद्र मोदी भी केवड़िया पहुंचेंगे और वहीं अपना जन्मदिन भी मनाएंगे, क्योंकि उनके जन्मदिन पर सरदार सरोवर डैम में पानी का स्तर 138.68 मीटर के पार होते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और यहाँ पे वो उपस्थित रह के ये जो हिस्टोरिक जो मूवमेंट है उसमें ये सरदार सरोवर डैम के जो पानी है उसको वो सेलिब्रेट करके यहाँ पे आरती करेंगे। सरदार सरोवर बांध को पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, यही वजह है कि गुजरात सरकार ने भी पीएम के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए इस ऐतिहासिक पल को उत्सव के तौर पर मनाने का फैसला किया। सपना हमारा साकार हुआ है, बहुत बड़ा कार्यक्रम गुजरात में करने जा रहे हैं, नरेंद्र भाई का जन्मदिन कब करने जा रहे हैं। गुजरात सरकार का दावा है कि सरदार सरोवर बांध के पूरी तरह भरने से राज्य में अगले दो साल तक पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। चीन के निंगो शहर में एक स्कूटर सवार महिला कंक्रीट मिक्सर ट्रक की चपेट में आ गई। यह हादसा एक ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ, जहाँ स्कूटर से गुजर रही महिला अपनी बाईं ओर से आ रहे कंक्रीट मिक्सर ट्रक के नीचे आ गई। इससे पहले स्कूटर सवार महिला और ट्रक एक ही लेन में चल रहे थे, जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल आया ट्रक अचानक अपनी दाईं ओर मुड़ गया। ट्रक महिला से टकराया और मुड़ता ही चला गया, जिससे महिला स्कूटर समेत ट्रक के नीचे आ गई। हादसे के कुछ देर बाद महिला ट्रक के नीचे से निकली। इस हादसे में महिला के हेलमेट और स्कूटर के परखचे उड़ गए। हेलमेट की वजह से महिला का सिर पहिए के नीचे आने से बाल बाल बच गया, हालांकि उसके एक हाथ में चोटें आईं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में चंबल नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बताया गया कि राजस्थान के कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिस कारण भिंड के 8 गांवों पर सैलाब का खतरा मंडराने लगा। इलाके का एक मंदिर चंबल नदी के पानी में डूबा नजर आया। बाढ़ के अलर्ट के बाद प्रशासन की टीम गांव को खाली करवाने के काम में जुट गई। रेस्क्यू टीम ने नाव की मदद से इलाके के लोगों को बाहर निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया। इस दौरान प्रशासन के अधिकारी इलाकों में घूम घूम कर वहाँ के लोगों को सैलाब के खतरे से आगाह करते नजर आए और लोगों से गांव खाली करने की अपील की। बताया गया कि इलाके के कई लोग अपने घरों को खाली करने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन कुछ लोगों ने प्रशासन की बात मानकर गांव को खाली कर दिया। गांव पानी बढ़ रहा है, डर रहे हैं लोग, बहुत परेशान है। गांव में लोग अभी हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे सब आ रहे हैं। गांव के एक आदमी ने इससे पहले 1996 में इस तरह बाढ़ के हालात बनने का दावा किया। ज्यादा तो पहले आ चुका है। कब? 96 में। 96 के बाद अब आई। अब आई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में 6 साल की बच्ची की हत्या के बाद लोगों ने अंबरगंज चौकी का घेराव किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। 6 साल की बच्ची अचानक अपने घर के बाहर से लापता हो गई थी, जिसका शव पास के एक मकान से मिला, जिसके बाद लोग भड़क गए और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों ने बच्ची के लापता होने की शिकायत भी पुलिस से की थी। बच्ची के जो पिताजी के जो खास जिसके साथ वो कार्य करते थे राजनीति का, उसने उस पे आरोप लगाया है, उन्होंने उस पे आरोप लगाया है कि इन्हीं के द्वारा किया गया। उसी के घर से बच्ची जो है घायल अवस्था में भी मिली है। प्रथम दृष्टया उसी व्यक्ति द्वारा ये पूरा कृत्य जो है ये किया जाना पाया जा रहा है, और जो भी तहरीर घर वालों द्वारा दी जा रही है उसके तदनुसार कार्रवाई की जा रही है। उधमपुर में ड्रग्स के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हुई विमेन मैराथन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। बिहार के गया में सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने राज्य में सक्रिय मोबाइल चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया।
यूपी के शाहजहांपुर में एक मकान में घुसे बदमाश लाखों रुपए के जेवरात और नकदी को लूट कर ले गए। बिहार के गया में एक प्राइवेट स्कूल की सुरक्षाकर्मी की हत्या कर शव को सड़क किनारे एक गड्ढे में फेंक दिया गया। यूपी के अमेठी में दिमागी रूप से कमजोर एक बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां करीब 2 दर्जन आतंकवादियों के होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी दुकानदारों को धमकियां दे रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के समय पूरे एहतियात बरत रही है, जिससे आतंकी किसी स्थिति का फायदा न उठा सके।